खबर लखनऊ से है, कांग्रेस में थमने का अब लेटर से मचा कांग्रेस पार्टी में घमासान। दिग्गज कांग्रेसियों ने दिखाया आलाकमान को आईना। लेटर भेजने वालों में संतोष सिंह, सत्यदेव त्रिपाठी, विनोद चौधरी। कांग्रेस में थमने का नाम नहीं ले रहा है विवाद, अब लेटर से कांग्रेस पार्टी में घमासान मच गया। दिग्गज कांग्रेसियों ने दिखाया आलाकमान को आईना। लेटर भेजने वालों में संतोष सिंह, सत्यदेव त्रिपाठी, विनोद चौधरी। कांग्रेस में विवाद, थमने का नाम ही नहीं ले रहा, अब लेटर ने घमासान मचा दिया। दिग्गज कांग्रेसियों ने आलाकमान को आईना दिखा दिया, उसमें संतोष सिंह है। फिलहाल खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। लखनऊ से खबर, कांग्रेस में विवाद, थमने का नाम नहीं ले रहा है, अब लेटर से कांग्रेस पार्टी में घमासान मच गया है। दिग्गज कांग्रेसियों ने आलाकमान को आईना दिखाया। हमारे प्रधान संपादक तुर्गेन जी इस खबर पर जुड़ गए हैं। तुर्गेन जी, कांग्रेस में विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है, अब एक लेटर बम सामने आया है। तो चार पन्नों के लेटर बम में सोनिया गांधी को नसीहत दी गई। लेटर मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी में हलचल मच गई। कांग्रेस नेता भूधर नारायण मिश्रा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। भूधर नारायण मिश्रा जी, आखिर क्या वजह है जो कांग्रेस में विवाद थम नहीं रहा है, बताएं। कांग्रेस में विवाद एक्चुअली थम इसलिए नहीं रहा है कि कांग्रेस का जो कार्य संचालन की पद्धति थी, लोकतांत्रिक थी, उसमें कहीं न कहीं कुछ बदलाव आया है। आज कांग्रेस की भलाई की बात करने के कारण हम 10 लोगों को 40 साल से जो कांग्रेस में हैं, बिना किसी कारण बताए, जो AICC के सदस्य हैं उनको अनुभवहीन और चाटकार लोगों ने कांग्रेस से बाहर कर दिया था 14 नवंबर 2019 को। हम लोगों ने सोनिया गांधी को चिट्ठी भी लिखी, लेकिन कोई मिलने का टाइम नहीं मिला। और यही था कि हम लोगों ने कोई अनुशासनहीनता नहीं की है। जवाहरलाल जी का जन्मदिन मनाया है, रामकिशन द्विवेदी जो हमारे पूर्व मंत्री थे आज नहीं रहे हमारे बीच में। क्यों नहीं सुनी जा रही आपकी जी? भूधर नारायण जी, किस तरह का बदलाव आप चाहते हैं और क्यों नहीं आपकी सुनी जा रही है? मेरी आप नहीं, के नेताओं की। ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस के समर्पित लोग हैं, वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, कांग्रेस की भलाई की बात कर रहे हैं, और वहां पर अनुभवहीन लोगों को स्थापित कर दिया गया है जो कांग्रेस के नेतृत्व को नहीं समझते, कांग्रेस की नीतियों को नहीं समझते हैं, और अपनी चलाने के लिए उन्होंने ऐसे महत्वपूर्ण लोगों को अलग अलग प्रदेशों में कांग्रेस ने निराश किया है, कांग्रेस से बाहर किया है। हम 10 लोग सीनियर लोग हैं जिनको निकाला था इन्होंने। ठीक है भूधर नारायण मिश्रा जी, अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चार पन्नों के लेटर में दी गई सोनिया गांधी को नसीहत, और जैसा कि भूधर नारायण मिश्रा जी जुड़े हुए थे, जहां पर वो चेहरों का जिक्र कर रहे थे, इन सबके बीच एक खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। निजी अस्पतालों में लापरवाही जारी है। बाजपुर में